नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं आजाद बिहार न्यूज और आजाद बिहार न्यूज से मैं मिठू इस वक्त पहुंचा हूं मोतिहारी जिला के पताही प्रखंड के देवापुर पंचायत में। और अभी हमारे साथ यहां से बने हुए हैं पूर्व मुखिया सह वर्तमान पंचायत समिति प्रतिनिधिकर्ता। आइए जानते हैं इनसे हम इनका पूरा परिचय और कुछ मुद्दे पे हम इनसे बात करेंगे जो पंचायत से रिलेटेड होगा। सबसे पहले आजाद बिहार न्यूज में आपका स्वागत है, आप अपना पूरा परिचय रखें। मेरा नाम है दशरथ महतो, पूर्व मुखिया, अभी फिलहाल मेरे पुतोहु जो वर्तमान में समिति है उनका नाम क्या है? रीना देवी। रीना देवी समिति में वर्तमान चुनी गई है। आपका कार्यकाल कितने ईस्वी में रहा? 2006 से 11 तक। 2006 से 11 तक आप अपने पंचायत का कार्यकाल, विकास का कार्य देखा, 5 साल का आपका उपलब्धि कैसा रहा आपके द्वारा आपके इस ग्राम पंचायत में? उस समय जिस हिसाब से जो सरकार के तरफ से सहयोग था उस हिसाब से बढ़िया कार्य कर रहा। अभी पंचायत समिति पद पे आपकी बहू जीत करके आई है, साल भर होने वाला है, विकास का कार्य उनके माध्यम से उनके क्षेत्र में क्या क्या हुआ है आप हमारे दर्शकों को बताइए। अभी तो फिलहाल साल भर तो कुछ न के बराबर हुआ है, यानी कि चुनाव के बाद एकाएक 15 अक्टूबर से ही कोई काम होता है। इसे कारण से अब आशा है अब विकास से काम होगा। क्या वजह रहा जो साल भर हुआ है लेकिन आपको एक भी फंड नहीं दिया गया है? एक आध फंड मिला है लेकिन संतोषजनक नहीं है। अच्छा अच्छा, उससे आप सेटिस्फाइड नहीं है? नहीं है। मनरेगा से क्या क्या विकास का कार्य करवाए? मनरेगा से तो लमसम 9 के बराबर, 15वीं से 1 चबूतरा बना है। अच्छा, आपकी बहू फर्स्ट बार चुनाव जीत करके आई इस समिति पद पे, ऐसे पूर्व में भी थी? नहीं, फर्स्ट बार। कितने मतों से उनका विजय हुआ? 3 मत से। 3 मत से। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? पंचायत वासियों को यही संदेश है कि जिस आशा से, उम्मीद से हमको वोट दिए हैं उस पर हम खड़ा उतरे। शिक्षा और स्वास्थ्य पे क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा के बारे में तो हमको कहते हुए थोड़ा शर्मिंदगी भी है, कारण शिक्षक ग्राम का ही शिक्षक ग्राम में रहता है तो राजनीति पैदा शुरू हो जाता है। इसलिए इस पंचायत का शिक्षक दूसरे पंचायत में, उस शिक्षक का पंचायत इस पंचायत में, इस तरह का व्यवस्था हो तो हमको लगता है कि शिक्षा बेहतर, मतलब काफी विकास होगा शिक्षा के क्षेत्र में। स्वास्थ्य से संबंधित, यहाँ से ब्लॉक दूरी है और सदर अस्पताल आपका बहुत ही दूरी है, तो स्वास्थ्य का स्थिति यहाँ दयनीय बना रहता है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर जो उपकेंद्र है बना हुआ है लेकिन वो नाम के लिए, लेकिन यूज में नहीं है। अच्छा, कब बना ये? ये बहुत दिन हो गया, मतलब आपके कार्य से पूर्व में बना था? नहीं, उसी हुआ उसी, लेकिन उस जगह कुछ नहीं है, केवल भवन है, भवन भी दूसरे के कब्जे में। चलिए, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ बने हुए थे वर्तमान पंचायत समिति सह पूर्व मुखिया, अभी वर्तमान में पंचायत समिति के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और इनका साफ तौर पे कहना है कि मेरे इस पंचायत में जो भी समस्याएं हैं और हमारे जो क्षेत्र के जनता हैं जो भी आशा विश्वास के साथ हमारे बहू को इस समिति पद बैठाए हैं, तो आशा रखें, धैर्य रखें, बाकी विकास का कार्य हम करते रहेंगे। देखते रहे आजाद बिहार न्यूज। जय हिंद, जय भारत।